कल से कानपुर के धार्मिक स्थल जो है वो नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को लेकर धर्मगुरुओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। डीएम के साथ बैठक कर धर्मगुरुओं ने कहा है कि ये व्यवस्थाएं कर पाना उनके बस की बात नहीं है। पुजारियों ने कही ये बात कही है। दो दिन बाद दोबारा प्रशासन के साथ उनकी बैठक होगी। बैठक में फिर ये निर्णय लिया जाएगा दो दिन के बाद कि धार्मिक स्थल खोलना है या नहीं। कोरोना संक्रमण को लेकर धर्मगुरुओं ने यह फैसला लिया है। भक्तों के आने से संक्रमण फैलने का खतरा होगा और दो दिन के बाद जब सारी तैयारियां कर ली जाएंगी और ऐसा लगेगा कि व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, तब शायद बैठक में ये निर्णय लिया जाए कि धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। 100 से 125 लोग उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। एक बड़ी बैठक है, इसमें छोटे बड़े मझोले सभी आश्रम मठ और मंदिर के लोग शामिल होंगे। हमें क्या करना है क्या नहीं करना हम लोग कल शाम को आपको बता पाएंगे, क्योंकि जो प्रशासन की गाइडलाइन है वो संभव नहीं हमारे लिए, हम लोग उसका अनुपालन नहीं करा सकते हैं। उन्होंने कहा पैर धुलाइए, जगह जगह कराइए सैनिटाइज। अब हजारों की संख्या में जिन मंदिरों में लोग आते हैं, आप जानते हैं कि ऐसा दरबार है महादेव का, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, इसलिए हम लोग 5-5 करके अंदर गर्भगृह में अथवा लाइन में 5 लोग माना कि यहाँ खड़े होंगे, मगर 10,000 लोग बाहर खड़े होंगे, उनको सबको रोक पाना हमारे लिए असंभव है। प्रशासन अगर चाहे तो खुलवाए, हम लोग अभी किसी भी स्थिति में नहीं है। कल शाम को बैठक करने के बाद कोई निर्णय हम लोग लेंगे।